अहिल्या शापित होती हैं, जड़ होती हैं, लेकिन अपनी गलती को इन्होंने समझा और स्वीकार किया और उसी दिन से परमात्मा के इंतजार में बैठी हैं। इसलिए दोबारा से प्रभु का स्पर्श पाकर वहीं पहुंचती हैं जहां से बिछो हुआ था, अपने पति के पास, अपने पति के लोक में। और सती भी अपनी गलती को समझती हैं, स्वीकार करती हैं और उन्हीं से दोबारा फिर मिलती हैं जहां से बिछुड़ी थी। लेकिन बहुत अंतर पड़ जाता है जीवन में, ठोकर आदमी को चलना सिखा देती है। पार्वती को थोड़ा लंबा समय हुआ, सती को लंबा समय हो गया, लेकिन अहिल्या बहुत ही जल्दी उसी जन्म में दोबारा से उसी स्थिति को प्राप्त कर गई। उसके बाद भगवान आगे बड़े जनकपुर की ओर। जनकपुर को हम विदेह नगर कहते हैं। सब पुर नर नारी शुभ सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता पुर नर नारी शुभ सुचि संता। पता चला विदेहराज को कि मेरे नगर के पास महात्मा विश्वामित्र आए हैं, स्वागत के लिए विप्रों के साथ में मिलन हुआ गुरुदेव से। और राम लखन को देख करके तो आंखें फटी की फटी रह गई। इस जगह पर हम ज्यादा नहीं रुकेंगे, कई बार चर्चा कर चुके हैं। अमराई जो बाड़ी है, बगीचा है आम का, वहां पर ठहराया गया राम लखन और विश्वामित्र जी को। विदेह नगर की बड़ी चर्चा सुनी थी प्रभु ने, तो शाम को गुरुदेव के चरण दोनों भाई दबा रहे थे, सेवा में लगे थे। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये लखन है ना, जनकपुर देखना चाहता है। गुरुदेव ने कहा कि आपकी क्या इच्छा है? बोले आप आज्ञा दो तो मैं इसे जनकपुर दिखा के ले आऊं। गुरुजी ने कहा कि किसी जगह को वो दिखा के ला सकता है जिसने पहले कभी खुद देखी हो।
अब राम जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि राम जी से तो दुनिया में छुपा ही क्या है, है? लेकिन गुरुदेव के सामने अधिक बोलना भी नासमझी की बात होती है। महापुरुषों के सामने समझदारी दिखाना ही ना समझदारी है, समझदारी दिखाना ही ना समझदारी है। समझ समझ के समझ को समझे, समझ के समझना भी एक समझ है। महापुरुषों के पास बैठकर समझ समझ के समझ को समझे, समझ के समझना भी एक समझ है। और मेरी समझ को जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। राम जी कुछ बोले नहीं, गुरुदेव को लगा कि इसके अंदर ये प्रवृत्ति कहां से आने लगी। राम के अंदर और देखने की इच्छा, बात समझ में आती नहीं है। गुरुदेव ने तुरंत अपने अंतर ध्यान होकर के और रहस्य को जानने की जब कोशिश की तो पता लगा कि जनकपुर में कुछ नारियां भक्ति से भरी हुई, जन्म जन्मांतरों से परमात्मा के दर्शन की जो साधना में लगी थी, उनकी पुकार बड़ी गहन हो गई है। उनकी पुकार ये है, भगवान हम नारी हैं, हमारे हाथों में पैरों में बंधन है मर्यादा के। जैसे ये कथा है ग्वालियर की 25 दिसंबर की, इस कथा के कभी हटने की बात आती है तो पूरे गदाईपुरा में और ग्वालियर में खलबली मचती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी माताएं हैं, ऐसी बहुएं, ऐसी बच्चियां हैं जो यहां से आगे कहीं जा ही नहीं पाती। यहां तक उनकी पहुंच है और यहां से आगे की बात हो, कौन बाप को मनाए, कौन भैया को मनाए, कौन पति को मनाए, इन सबको मना ले तो अड़ोसी पड़ोसी तो कभी मरने वाले हैं ही नहीं। नहीं, मरने वाले नहीं कह रहा हूं, मनने वाले कह रहा हूं। हैं? तो उनको तो यहीं का इंतजार रहता है ना। कब दिन जाए वह दिन आए, प्यारी सी ऋतु सुहानी। कुल्लू मनाली होता है इस समय पर, ऐसा मौसम जो ऐसा मौसम इस समय हमें यही मिल जाता है वो कुल्लू मनाली में गर्मियों में रहता है। तो लोग इसको मनाने के लिए वहां जाते थे ना, इसलिए भगवान हमारे लिए यही भेज देता है कि लोग कुल्लू मनाली। कब दिन बीते वह दिन आए, प्यारी ऋतु मस्तानी, सुनेंगे राम कहानी। तो वो जो जनकपुर की जो नारियां हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, उनकी जो पुकार है वो राम को खींच रही है। इसलिए राम के मन में बार बार ये बात, चलो जनकपुर, चलो जनकपुर। एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे,
चेला कहता है गुरुजी से, गुरुजी दिल्ली जाने का मन हो रहा है, दिल्ली। अब गुरुजी बोले बेटा वहां कोई काम तो है नहीं और अपना कोई जानकारी का भी नहीं है, दिल्ली चलें। बोले नहीं गुरुजी दिल्ली चलो। अब गुरुजी बोले चलेंगे लो कभी। फिर दो चार दिन बाद बोले गुरुजी दिल्ली कब चलेंगे, दिल्ली चलो। वो दिल्ली ने गुरुजी की खोपड़ी खिसका दी। एक दिन गुरुजी ने सोचा दे जानना ही पड़ेगा कि इसके इतना मन चलने का कारण क्या है। एक दिन ध्यान लगाया गुरुजी ने, तो देखा कि इसके प्रारब्ध के कुछ गन्ने दिल्ली के पास और गुड़गावां के बीच में खेतों में खड़े हैं गन्ने, और वो गन्ने बिल्कुल अंतिम समय पर हैं। वो प्रारब्ध वो खींच रहा है इसे। उस संत ने अपनी योग माया से उस गन्नों को उखाड़ा और ला करके आश्रम में पटक दिया, और जैसे ही वो गन्ने दिखे चेला टूट के पड़े। जो भी चार छह गन्ने रहे होंगे धुआं से उड़ाए दो, एक ही दिन में साफ। दूसरे दिन गुरुजी ने कहा चेला, हाँ गुरुजी कल दिल्ली चलना है। बोले अब रहन दे। बोले काय? बोले हम तब ते मन कर रहे और अब आप जब आपके मन में नहीं है तो फिर रह नहीं दे। बोले नहीं नहीं हमारे तो मन में है, चलो दिल्ली। बोले पता नहीं अब मन कर नहीं रहो, अब मन नहीं कर रहा, क्योंकि जो खींच रहा था वो खींच करके प्रारब्ध को गुरुदेव ने वहां पटक दिया। महापुरुषों की लीला को कोई समझ नहीं सकता, किसके प्रारब्ध को कहां से कहां पटक के ला दें, लाके पटक दें। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है, फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है, जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना, अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। जहां में प्यार की दौलत बड़ी किस्मत से मिलती है, जहां में कृपा की दौलत, जहां में दुआ की दौलत बड़ी किस्मत से मिलती है। जहां में प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है, मैं जब बाबा जी हुआ हुआ था तो शास्त्रों का अध्ययन करने की बड़ी इच्छा थी मेरे अंदर,
गुरुदेव की कोई व्यस्तता थी किसी का अपनी साधना में, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा कि तुम या तो बनारस चले जाओ या हरिद्वार चले जाओ। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने एक बात कही, वो आप सबके बड़े काम की है, पूछो तो बताऊं। उन्होंने एक बात कही मुझे, बोले किसी भी जगह तुम्हें ज्यादा रुकना है, एक आध दिन रुकना है तो अलग बात है, किसी के घर पर, किसी जगह पर, किसी आश्रम में कहीं भी ज्यादा रुकना है तो उसका प्यार पाना बहुत जरूरी है। और प्यार कैसे पाया जाता है वो मैं तुमको बता रहा हूं। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा बताओ। बोले किसी भी महापुरुष की दुआ, आशीर्वाद या प्यार बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, हट से नहीं पाया जा सकता, जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता, ब्लैकमेल करके भी नहीं पाया जा सकता। बोले तो तन मन धन तीन और चौथी है वाणी, इन चारों से, तन मन धन और वाणी, इन चारों से हम किसी महापुरुष की जितनी मात्रा में सेवा कर लें उसके आशीर्वाद को हमें उसके आशीर्वाद को हमें पाने से परमात्मा भी रोक नहीं सकता है। चार बातें, तन मन धन और वाणी। एक बात ध्यान रखना, मुझे तो बहुत देर तक उन्होंने समझाया, मैं इतना समय आपका नहीं लेना चाहता, मैं शॉर्टकट आपको कह रहा हूं। तन की सेवा बहुत अच्छी है, हमारे तन से अथवा गुरु के तन की अथवा गुरु आश्रम की सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन केवल तन की सेवा रही और मन न रहा तो सेवा सेवा नहीं रहेगी। तन से लगे हैं और मन में गड़बड़ी चल रही है तो सेवा, मन की जो खटपट है वो तन की सेवा को खत्म कर देगी। हम तन से बहुत सेवा कर रहे हैं और मन भी है और हमारे पास धन भी है, लेकिन धन संसार के लिए, दुनिया के लिए, परिवार के लिए, और संतों के पास केवल दर्शन करने जाएं और शरीर से वहां लगे हैं तो संत ये समझता है कि इसका अंदर का मन तो भी संसार में ही है, उन्हीं की व्यवस्था में लगा है, अभी मेरी में नहीं है, इसलिए सेवा अधूरी रह जाएगी। धन नहीं है तो कोई बात नहीं है, संत ये समझता है। होते हुए भी और फिर यदि यदि हम संसार में, परिवार में, संबंधों में या अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगे हैं और साधुओं के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, केवल दर्शन कर आए, थोड़ी बहुत शरीर से सेवा कर आए या थोड़ा बहुत दे भी आए, लेकिन लगे हैं दिन और रात इधर बढ़ाने में तो सेवा अधूरी रह जाएगी। और चौथी बात है, हमने तन से भी सेवा करी, मन से भी सेवा करी और धन से भी सेवा करी, और यदि वाणी से
हमने महापुरुष और बुद्धों की ऐसी बातों का यदि उच्चारण किया जो हमें नहीं कहनी चाहिए तो तीनों सेवाओं का सुपड़ा साफ हो जाएगा। केवल मैं गुरुदेव की सेवा की बात नहीं कर रहा, जैसे कोई बालक है और अपने बाप की खूब सेवा करता है, शरीर से भी करता है, मन से भी करता है, धन से भी करता है, लेकिन बोलने की तमीज नहीं है, बोलता उल्टा सीधा है, तो जब बाप के बात बाप के हृदय में जब वाणी चुभ जाती है तो बाकी सब सेवा पर पानी फिर जाता है। बोली एक अमोल है, जो को बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी से सेवा करना आ जाए तो यदि तन की सेवा कम भी रह जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, धन से सेवा थोड़ी बहुत कम भी रह जाएगी तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वाणी और मन ये दो सेवाएं, कभी 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 केवल वाणी से ही सेवा हो रही है, मन यदि गड़बड़े तो भी फायदा नहीं होगा, फिर तो कालनेमी की तरह हो जाएगा। वाणी से गुरुदेव के अनुकूल वचन, पिता माता के अनुकूल वचन जिससे उन्हें प्रसन्नता होती है, जिनके हृदय को वो प्यारी लगे, गुरुजी ने कहा कि केवल हम दर्शन करके दुआ पाने की कोशिश करें ना, दुआ पाने का मुख्य सूत्र है, किसी के हृदय में जगह पाने का मुख्य सूत्र है सेवा। और एक बात और बता देता हूं मैं आप सबको, सेवा अध्यात्म मार्ग का सबसे पहला साधन है और सबसे अंतिम तक पहुंचाने वाला साधन है, नीचे से शुरू करके अंतिम तक पहुंचाने वाला। और सेवा का जो साधन है ना, इस साधन में कोई खतरा नहीं है, तुमने जप किया अहंकार हो जाएगा, सिद्धियां पाली अहंकार हो जाएगा, लेकिन सेवा अंतःकरण को शुद्ध करती है, हृदय को शुद्ध करती है, जीवन में समृद्धि देती है। गुरुदेव ने कहा कि तुम अध्ययन करने जा रहे हो, सेवा भाव रखना, तो मुझे कभी किसी भी संत से सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी कि इसे रख लो, फिर वो खुद ही कहेगा कि इसे और रहने दो, आश्रम में भेज देंगे, हैं? जैसे कुछ बच्चियां होती हैं ना, तो नानी के यहाँ पहुंच जाए या मौसी के यहाँ पहुंच जाए या बुआ के यहाँ पहुंच जाए, सेवा करने वाली हैं तो सब पीछे पड़ेंगे कि जा और रह लेंगे 10-5 दिन। और सेवा वृत्ति नहीं है तब नेक जाए भी चर्चा करे, ठीक है बहना ले सामान ले ले तू अपनो जा, सेवा हृदय में जगह बनाती है, साधु के दिल में जगह बनाती है। मिल गई साधु संग तो की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं।
चाहिए इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। एक बात और मन में आ रही है, कहूं? हाँ, जो लोग अपनी स्थाई चल या अचल प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं वो लोग संसार की दृष्टि में धनवान कहे जाते हैं, और जो लोग सब अपना गंवा करके संतों में बर्बाद हो जाते हैं, संतों में महात्माओं में बर्बाद हो जाते हैं वो संसार की दृष्टि में बर्बाद कहे जाते हैं, और जो स्थाई चल और अचल प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं वो आबाद कहे जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन उस दिन पासा बिल्कुल पलट जाता है जिस दिन मौत की घड़ी आती है। उस दिन जो आबाद थे, न जाने कितने बंगले, कितने कोठी, कितनी प्रॉपर्टी, कितना खजाना, जितना भी था, जो आबाद थे उसी क्षण बर्बाद हो जाते हैं। और जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया अध्यात्म में, वो उस दिन एकदम आबाद हो जाते हैं। बर्बादी आबादी में बदल जाती है, हैं? और आबाद बर्बाद हो जाता है। जो उस दिन को याद रखते हैं वो इन बर्बादियों से डरते नहीं हैं, और जो उस दिन को भूल जाते हैं वो यहां की आबाद होने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि सेवा है ना, अंतिम सीमा तक पहुंचाती है। यहां खर्च किया हुआ समय, खर्च की हुई ताकत, खर्च किया हुआ धन, खर्च की हुई वाणी, मैं आप सबकी वाणी से सेवा कर रहा हूं, मैं भी वाणी खर्च कर रहा हूं और आप भी पूरे दिन वाणी खर्च करते हो, बड़ा अंतर है। मैं भी अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा हूं, आप भी अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो। मैं भी कमाता हूं, आप भी कमाते हो, बड़ा अंतर है। आप लोगों के पास तो समय होगा, मेरे पास तो समय भी नहीं है, इतना व्यस्त हूं मैं, लेकिन बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर है। इस रहस्य को जो समझ जाते हैं वे अपने आप को बर्बाद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अंतिम में आबाद होना है। और जो इस रहस्य अनविज्ञ होते हैं वे अपने आप को आबाद करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन बेचारे अंतिम में बर्बाद हो जाते हैं। कल एक पंक्ति लिखी थी आनंदी वाले स्वामी जी ने, मैं गया था, बड़ी प्यारी पंक्तियां थी। कि जब व्यक्ति मरघट में जाता है ना, उस क्षण जो विवेक होता है व्यक्ति को, वो विवेक यदि थोड़ा सा भी कुछ दिन तक ठहर जाए तो जाने क्या से क्या हो सकता है, हैं? जाने क्या से क्या हो सकता है। जिंदा थे, पंक्ति सुनाऊं? जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, मुर्दा पड़ा हुआ है और समझ लो मुर्दा बोल रहा है। कि जिंदा थे तो किसी ने कभी पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं सब लोग, खुद मेरे पास आ आ करके
सब बैठे जा रहे हैं, पहले किसी ने मेरा हाल पूछा नहीं, पहले किसी ने मेरा हाल पूछा नहीं, अब सभी आंसुओं पे आंसू बहाए चले जा रहे हैं। पहले किसी ने मेरा हाल पूछा नहीं, अब सभी आंसुओं पे आंसू बहाए चले जा रहे हैं। एक भी रूमाल भीगने नहीं दिया किसी ने जब हम जिंदा थे, एक भी रूमाल किसी ने भेंट नहीं किया कब, जब हम जिंदा थे। अब साल पे साल और कपड़ों पे कपड़े मेरे ऊपर उड़ाए चले जा रहे हैं। सब पता है कपड़े उड़ाने वालों को कि ये मेरे काम नहीं आएंगे, सब पता है इन उड़ाने वालों को कि एक भी कपड़ा मेरे काम नहीं आएगा, फिर भी ये व्यवहार और दुनियादारी निभाए चले जा रहे हैं। सब पता है, और जब मुझे जरूरत थी किसी ने एक रूमाल नहीं दिया, कभी किसी ने एक वक्त का खाना नहीं खिलाया था मुझे, कभी किसी ने एक वक्त का खाना नहीं खिलाया था मुझे, और अब मेरे मुंह में देसी घी उड़ेले चले जा रहे हैं। घी डालते हैं ना अंतिम समय पर, अब मेरे मुंह में देसी घी उड़ेले चले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम साथ चला न कोई, जिंदगी में एक कदम साथ चला न कोई, अब फूलों से सजाकर मुझे कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम साथ चला न कोई, और अब फूलों से सजाकर और कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। हम तो बेकार ही जिंदगी की चाहत किए जा रहे हैं। कसम में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जब मैं बाबा जी होने की तैयारी कर रहा था और घरवालों को पता लग गया, तो घरवालों ने सब नातेदार रिश्तेदार सब लगाए थे मुझे समझाए के लिए कि जय बुद्धि खराब रह गई है, बढ़िया फौज में लगेगा, मोटो ताजो है, बढ़िया ब्याह होगो, यानी का बुद्धि खराब कर दी। अरे ये फलाने बाबा के ढेर चले गो तब तो जाके बुद्धि बिल्कुल खराब। अरे बाबा हो न भजन ही तो कौन कहूं कर लो, फौजा में का हमेशा लड़ाई थोड़ी होती है, पूरी तैयारी घर वालों की, रिश्वत भी तैयार रागते के कहूं ने कर बात चल जाए तो दे देंगे कज्जो लेके होगी सो। अच्छा कभी कभी क्या होता, समझाने वाले इतने अच्छी तरीके से समझाते कि बुद्धि उल्ट जाती थी हमारी, वो ऐसे समझाते कि भजन ही तो करना है, अरे माँ कर लेना, और फौज में थे तो बहुत जल्दी रिटायर है जाते, भजन फिर कर लेना, बहुत सारी बातें समझाते।
आर्मी का बड़ा बड़ा क्रेज था ज्यादा लगाने का चारों तरफ। तो कभी कभी बुद्धि सोचती कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं, भजन ही तो करना है, और फिर रिटायर होकर फिर कर लेंगे। लेकिन जब तो बुद्धि बलर जाए, फिर रात को सोएं चिंतन करें, अरे बोले भैया माया में मत फंसे। बुद्धि बड़ा चिंतन करती है, बड़ी बड़ी ऊहापोह होती है। एक दिन बरसात के दिनों में ऐसी उचंग आई कि जो होगा सो देखा जाएगा, चल मस्तराम मस्ती में उचंग आई। फिर जब सब काम हुए, अध्ययन वगैरह हुआ, जब जब हम कथावाचक बन गए, तब एक व्यक्ति ने कहा, उसी व्यक्ति ने कहा जो हमें पहले रोकने की कोशिश कर रहा था, क्या कहा? बोले तुम बहुत अच्छे रहे। मैंने कहा, बोले जल्दी निकल आए तो अच्छी रही, यदि लेट हो गए होते तो कुछ नहीं होता, तुम यहां होते ही नहीं। आप सब मेरे प्यारे हो, सबसे कह देना चाहता हूं, अपने आंसुओं से आंचल को भिगोती ही चली जाती है, और जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। इसलिए नेक कामों में कभी देर मत करना प्यारे। मेरे संपर्क में कितने लोग मर गए कथा की सोचते सोचते। और एक ये है 25 दिसंबर की कथा कि हर साल हो जाया करती है, ये कोई करोड़ों में खेलने वाले लोग नहीं है, पूरी साल में ये वकालत कर करके कमा लेता और फिर कथा करा देता, कोई इसके पास अरबों खरबों नहीं है। लेकिन जो ठान लेगा वही तो कर पाएगा। जा गदाईपुरा में तो बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं, यानी कितने प्लॉट, कितने मकान, कितने फ्लैट, जाने क्या क्या। लेकिन जो ठानेगा, जो इस कमाई को समझेगा, हैं, नेक कामों में अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों में कभी देर मत करना प्यारे। जिंदगी यदि रोई नहीं, देर यदि हुई तो होती ही चली जाती है, देर जब होती है तो होती ही। जब ये बात समझ में आ जाए कि आबादी ये है और बर्बादी ये है, तो उसी क्षण चल बैठना चाहिए, क्योंकि न जाने कब दिमाग कहां पलट जाए। इस दिमाग का तो एक मिनट का भरोसा, यदि अच्छे कामों का दिमाग बने तो तुरंत चार व्यक्तियों में चर्चा करेगा, उसे कन्फर्म कर दे, करे भले ही साल में दो साल में, कन्फर्म कर देगा तो फिर उसकी उसका वो बनना शुरू हो जाएगा व्यवस्था, हैं? उसकी व्यवस्था बनना शुरू हो जाए, प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। अरे भैया, जो जो काम तुम्हारे मन में आए, कंप्यूटर में कोई चीज तुम्हें देखनी है तो उसे खोल करके प्रोसेसिंग तो चालू करो, उसमें भी काफी देर लगती है। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। दुनिया की चक्कर
का इस मानव जन्म का जो फायदा उठा सके। मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। ग्वालियर की राह में बोलो बोलो तो ऊपर की राह में हैं। मुश्किल पड़े जो राह में प्रसंग चला है तो एक बात और कह रहा हूं। दाल रोटी सब्जी चावल दूध और मिठाइयां फल इनके अलावा शायद हीरा मोती पन्ना जवाहरात सोना और चांदी कोई नहीं खाता है, कितना भी पैसे वाला हो जाए। और शायद उल्टा होता है, जितना धन अधिक इकट्ठा किया जाता है उतना ही रूखा सूखा ज्यादा खाना पड़ता है, सबका अनुभव होगा। शायद परमात्मा उतनी ज्यादा लगाम लगा देता है, रसगुल्ला बंद सोन पपड़ी बन देसी घी बन है,
पराठा बन मालपुआ, अब जीव भले ही लप लप आती रहे। अब बेचारा वह नोटन की गड्डी चाटे के ओढ़े के बिठा बिछावे, दाल रोटी सब्जी चावल फल दूध मिठाइयां, इन्हें खाने के लिए जिसके पास पर्याप्त धन है, उसके बाद जब वो और खरीदारी करता है फ्लैटों की प्लॉटों की और इन चीजों की, किस लिए कर रहा है? मान लिए अच्छा उसने मकान बनाया बढ़िया उसमें सब कुछ है, तो इज्जत पाने के लिए, मानो थोड़ा इज्जत इज्जत से रहने के लिए गाड़ी बढ़िया है। लेकिन मैं कहता हूं जितना तुम संसार में खर्च करते हो इज्जत पाने के लिए, उसका 5% भी अध्यात्म में खर्च करके देखो, इज्जत नहीं दुआओं से भर जाओगे, सम्मान से भर जाओगे, स्नेह से भर जाओगे। कथा कराने वालों को कितनी दुआएं, कितने सम्मान, कितने आदर मिलते हैं, कराने वालों से पूछो या एक बार मौका मिले तो करके देखो, उसका 1000 गुना तुम इकट्ठा कर लेना सम्मान पाने के लिए। जमींदार बन जाना, गाड़ी वाले बन जाना, फ्लैट वाले बन जाना, कुछ भी बन जाना, वो सम्मान, वो आदर, वो प्रेम, वो दुआएं मिल सकती हैं? तुम ही बताओ, नहीं मिल सकती। ये कथा हो रही है या जितने बड़े बूढ़े हैं, बड़ी बूढ़ी माताएं, बच्चियां, बहुएं कितनी दुआएं देती होंगी, भगवान भलो करे, भगवान भलो करे, हम कहां जाते हैं? सचमुच दौलत कमाने का तरीका है सबसे अच्छा। ये बात इस पर चली थी कि वे जो जो जनकपुर में जो नारियां हैं परमात्मा को बुला रही हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं और परमात्मा को या परमात्मा की कृपा को या महात्मा को खींचा नहीं जा सकता सेवा के द्वारा, बुलाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। वो जो गोपियां हैं ना जनकपुर की, वो भगवान को बुलाना चाहती हैं। मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे are।
जिनका हृदय इमोशनली होता है, इमोशनली भावनात्मक, उनकी दुआ भी बहुत ज्यादा असर करती है और उनकी बददुआ भी बहुत ज्यादा असर करती है। एक दिन धर्मेंद्र कह रहा था कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय जो माताएं हैं, जो बहुएं, जो बेटियां हैं, इनकी ऐसी दुआ लगती है कि न जाने कहाँ से व्यवस्था हो जाती है और अपने आप कथा हो जाती है। मैंने कहा, तुम सही सोचते हो, आदमी की औकात नहीं कि हर साल और कई सालों तक कोई व्यक्ति कथा कराता रहे, आदमी की औकात नहीं है। इन बच्चियों की, इन माताओं की, इन बड़े बूढ़ों की ये दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं, उन्हें परमात्मा भी मिटा नहीं पाता। वे जनकपुर की नारियां कहती हैं, भगवान हम आपके दर्शन करना चाहती हैं, हम तो वहां तक नहीं आ सकती, हम तो बंधी हैं, लेकिन आप तो खुले हो ना, आप तो खुले हो, आप तो आ सकते हो, हम नहीं तो आप ही आ जाओ। तू आ जा या हमको बुला ले। तू आ जाया हमको बुला ले, दिलवर हमको दिल से लगा ले, भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी।
याद में तेरी बरसे नैना, याद में तेरी बरसे नैना, दर्शन को मन तड़फे धीर के बिसरे गई है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में माया को अंधियारो दिखे ना कछु, हाथ पसारो दर दर भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। तू आ जाया हमको बुला, दिलवर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सागरी। इन गोपियों की पुकार ने परमात्मा को आने के लिए मजबूर कर दिया। ये गोपियां मंदिर नहीं गईं, गुरुद्वारे मस्जिद नहीं गईं, इन गोपियों ने कोई ज्यादा तीर्थ नहीं किए, इन गोपियों ने ज्यादा तिलक छापे नहीं लगाए, घंटियां नहीं बजाई। तो हृदय से पुकारा, दिल से पुकारा, मन से पुकारा। हम सब मन से पुकार करना सीख लें, दिल से पुकार करना सीख लें। ये तरीका हमें आ जाए, और ये तरीका देती है भगवान की कथा, ये तरीका देती है प्रभु की कथा। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, प्यारे ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सामरा जरा कॉल तो लगा के दे। वो चिट्ठी से नहीं आता, फोनों से नहीं आता, और सब क्रिया कर्मों से नहीं आता, बोले तो आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। हरी बोल।
काय को बैठे हो, खड़े आ जाओ। सबसे कठोर होता है, उसे भी पिघला देती है अग्नि। अग्नि से ज्यादा ताकतवर है पानी, जो अग्नि को बुझा देता है। पानी से ताकतवर ज्यादा है आदमी, जो उसको भी पी जाता है। आदमी से ज्यादा ताकतवर है मौत, जो आदमी को खा जाती है। और मौत से भी ज्यादा ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल देती है। हे हरि We'll be right back.
थके तो नहीं हो, हारे तो नहीं हो, काना बंसी वालो। अच्छा बहुत दिन से एक भजन नहीं हुआ, चुल्लू भर पानी में आओ। उसको कहते हैं लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और मिटा दे बाप की दौलत हरामी है हरी। राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो तने भरी जवानी में। पुराना गाना है, अब मुझे पसंद नहीं आता, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, मॉडिफाई। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो तने भरे बुढ़ापे में। कछु ऐसो काम करो जो रहा गुनाहे में, कछु ऐसो कछु लोग नाचना बंद कर रहे हैं, उल उल के नहीं नाच रहे हैं, गाना बंद हो जाएगा, जल्दी करो। जय हो को नाम दीनो ना प्रभु को नाम दीनो तेने भरी बुढ़ापे में। कछ ऐसा काम करो जो नाम ना लीने, कछ ऐसा काम करो जो नाम ना लीने। Thank you.
जोयो सारो जीवन जोयो बिस्कुट और काफी ने कछु ए तो काम करो जे नाम ना पीने कछु ए तो काम करो जो नाम ना पीने अब ये उलूल के नहीं नाच रहे हैं सिंगार मुक्ति युग की
जो हो चांदी अंदर जगो चांदी हे पृथ्वी चांदी राहा चांदी रोगते हा चांदी हे वनपते हा चांदी विश्व देवा चांदी ब्रह्म चांदी हे त्रिपगो चांदी हे शांति रेव चांदी हे श्यामा शांति रेधि मंत्र पुष्पांजलि ओम जल्ले लल्लमय चांदी वास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्य तेहनाकर महिमान चंद त्रवूर्भि साध्या शांति देवा हरि ओम एक दंताय विदमहि वक्रदंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विदमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विदमहि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम दशरथाय विदमहि कौशल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरि ओम जनकालमजाय च विदमहि राम प्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरि ओम अञ्जनी नन्दनाय विदमहि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामकुलजाम्बकवाटिलाब्जै पूर्णगजाधिकरवि दर्शाले पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मञ्जरी वि त्वां पूजयामि जगति स्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के शंकर भगवान के हनुमान जी महाराज के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय सीतारायल तेरी पैरों की पायल रज परेश पायल तेरे पैरों की पायल रज परेश पायल ये चम 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 रज सुनावे तेरी पायल तेरे दिल में जगावे से तेरी पायल तेरे दिल में प्रेम जगावे से तेरे पैरों की पायल तेरे पैरों की पायल रज करे तू पे तू भाई।